नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा को प्रसन्न करने के बाद जब कन्या पूजन होता है तो कन्या पूजन के दौरान हमें कौन सी खास गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमें उस पूजा का फल नहीं मिल पाता, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर माँ दुर्गा के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबाएं। नवरात्रि दोस्तों, 9 दिनों का ये त्यौहार माता दुर्गा को प्रसन्न कर अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति और अपने ऊपर आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निजात के लिए हम लोग माँ की आराधना करते हैं। जब हम लोग माँ की 9 दिनों तक आराधना करते हैं तो 9 दिनों के बाद जब 9वें दिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं, पूजन किया जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर घर से विदा किया जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान हमें एक खास जो गलती है वो कभी नहीं करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो के आगे तक बात करेंगे, विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, माँ दुर्गा जो है वो जगत की माँ है, जगत की महिमा अपार जो है वो माँ दुर्गा है। माँ के प्यार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ का स्वरूप अलौकिक है, वो अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती है। हिंदू धर्म में भी माँ पूजन के लिए तैयार रहते हैं और सभी भक्त हमेशा इसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। माँ का महिमा का गुणगान करने का पर्व नवरात्रि आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा साधना और तपस्या से हम नवरात्रा का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, नवरात्रा का जो त्यौहार है वो अपने आप में बहुत ही अहम है। नवरात्रि में 9 दिनों में देवी पूजा का पुण्य का फल हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक कन्या पूजन नहीं किया जाता है। कन्या पूजन करने के बाद ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का देवी पूजन का हमें शुभ फल मिलता है। हमारे द्वारा जितने भी उपाय किए गए हैं हमें उनका फल मिलता है और माँ दुर्गा प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। कन्या पूजन करने से देवी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपने भक्तों पर बनाए रखती है। इसके साथ ही जीवन की कई सारी परेशानियों को दूर भी करती है, भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन हम में से कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि कन्या पूजन में किस प्रकार पूजा की जाती है और किस उम्र की कन्याओं की पूजा की जानी चाहिए। इन सब जानकारी के अभाव में हम में से कई लोग कन्या पूजन के दौरान कुछ न कुछ गलती कर देते हैं। दोस्तों, जब हम कन्या पूजन में इन गलतियों के करते हैं तो इनके कारण पूजन का शुभ फल नहीं मिलता। इनके साथ ही कन्याओं पूजन के बाद भोजन में उन्हें क्या खिलाना चाहिए और दान में क्या देना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी है वो आम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं होती है। उसके अभाव में अक्सर कई सारी गलती करते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको यही बता रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के दौरान छोटी उम्र की कन्या ही होनी चाहिए। छोटी उम्र की कन्या यानी 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र की जो कन्याएं होती है उन कन्याओं की कन्या पूजन में पूजा की जाती है। इनकी इन छोटी छोटी बालिकाओं की पूजा करने से जो ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो सक्रिय हो जाती है। वो देव शक्तियों का उस घर पर आशीर्वाद मिलता है, उस घर में सुख समृद्धि मिलती है, उस घर में माँ दुर्गा का वास होता है। नवरात्रि में 9 दिन देवी की उपवास करने के बाद पूजा का जो पारायण जो है वो कन्या पूजन करके किया जाता है। कन्या पूजन के बगैर नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत व उपवास नहीं खोला जाता है। कन्या पूजन में जो उम्र का है वो मैंने आपको बता दिया। इससे बड़ी उम्र की कन्या का पूजन करने से
उन पूजन का फल नहीं मिल पाता है। आप उन्हें खाना खिला सकते हैं बड़ी उम्र की कन्याओं को, लेकिन जो 9 कन्याएं हो वो छोटी उम्र की 10 साल की उम्र से कम होनी चाहिए, क्योंकि उनसे छोटी जो उम्र की जो कन्याएं होती है वो देवी का स्वरूप माना जाता है। इसमें 5, 7 और 11 कन्याओं की पूजा भी कर सकते हैं। इन देवी के साथ ही एक लंगूर की पूजा की जाती है, एक लड़के की पूजा की जाती है। इस दौरान जो कन्याओं का भोजन है दोस्तों, उनमें आप खीर बना सकते हैं, केसर युक्त खीर, हलवा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन खाने में जो है वो एक ख़ास चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो है दोस्तों प्याज और लहसुन से बनी सब्जी। प्याज और लहसुन से जो बनी सब्जी है वो हमें कन्या पूजन में कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। आप इसमें आलू की सब्जी का भी भोजन करा सकते हैं। प्याज और लहसुन की सब्जी का भोजन कराने से हमें उन कन्या पूजन का पूरा जो फल है वो नहीं मिल पाता है। कन्या पूजन के बाद जो आपने कन्याएं अपने घर पर खाने के लिए बुलाई है, उन कन्याओं को रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर विदा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थी सबसे बड़ी गलती जो खाने में हम लोग करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको नवरात्रि से जुड़े कुछ खास बातें और बता रहा हूँ। कन्या पूजन में जो कन्याएं हम खाना खिलाने के लिए बुलाते हैं, उनमें जो 2 वर्ष की हो या 3 वर्ष की कन्याएं हो, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को काली कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहते हैं, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। तो आपकी जो उम्र के हिसाब से जो लड़कियां हैं वो उनका नाम इस हिसाब से लिया जाता है। इसके ऊपर की आयु की कन्या का पूजन मैंने आपको बताया कि नहीं करना चाहिए। इसमें दोस्तों जो 2 वर्ष की कन्या है उसको कुमारी कन्या कहा जाता है। कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है, वो शत्रुओं का नाश होता है, आपकी धन आयु और आपके बल में वृद्धि होती है। वहीं दोस्तों त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति होती है, आपके घर में धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पोत्र आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य और सुख की कामना करता हो उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक काली नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए तथा धन और ऐश्वर्य की जो अभिलाषा रखने वाले लोग हैं वो चंडिका नाम की कन्या की पूजा अर्चना करें तो उनको लाभ मिलेगा। दोस्तों सम्मोहन, दुख, दरिद्र के नाश और संग्राम में विजय के लिए शांभवी नाम की कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश के लिए और उग्र क्रम की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नाम की कन्या की भक्तिपूर्वक आराधना करने से मनुष्य अपना सारा मनोरथ सिद्ध करना चाहता है तो उसे सुभद्रा नाम की कन्या की पूजा करना चाहिए। अगर भयंकर रोग नाश की इच्छा रखता हो तो उसे रोहिणी नाम की कन्या की विधिवत पूजा करनी चाहिए, उनकी पूजा करने से उसको निश्चित ही लाभ मिलता है। इस प्रकार विधिवत कन्या पूजन करने से निश्चित ही माँ दुर्गा भगवती जगदम्बा की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थे कन्या पूजन का जो पूरा फल, उनका महत्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। दोस्तों इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ज़रूर दबाएँ।
ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।